जसप्रीत बुमराह हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। साथ ही साथ अगर हम भारतीय क्रिकेट के टॉप 3 खिलाड़ियों की अगर बात करें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद अगर तीसरा खिलाड़ी कोई होगा तो वो जसप्रीत बुमराह होंगे। बुमराह भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम की उपकप्तानी भी मिली हुई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि बुमराह से उपकप्तानी छीनी जा सकती है। जी हां, अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद बुमराह से उपकप्तानी ली जाएगी, ये खबर थोड़ा सा फैंस को समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा इरिटेट करने वाली भी खबर होगी, लेकिन आपको पूरी स्टोरी पहले बता देते हैं। दरअसल T20 फॉर्मेट में और वनडे फॉर्मेट में उपकप्तानी दे दी गई है शुभमन गिल को। अब भारतीय सिलेक्टर्स, नए हेड कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट भविष्य की ओर देख रहा है, इसलिए उपकप्तानी वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट में शुभमन गिल को दे दी गई, और गिल को ही भारत का फ्यूचर कैप्टन भी माना जा रहा है। ऐसे में वो जसप्रीत बुमराह जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी भी की है भारत के लिए, इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने एक टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कप्तानी की है, और कई सीरीज में जसप्रीत बुमराह टेस्ट टीम में वाइस कैप्टेंसी करते हुए नजर आ चुके हैं, वो रोहित शर्मा के डेप्यूटी के रूप में हमें नजर आए। लेकिन अब जब भारतीय टीम सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी तो उसमें हमें जसप्रीत बुमराह उपकप्तान के रूप में नजर नहीं आएंगे। BCCI सोर्सेज के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि शुभमन गिल को टेस्ट टीम की भी उपकप्तानी सौंपी जा सकती है, यानी तीनों फॉर्मेट में शुभमन गिल ही वाइस कैप्टन हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेज करने के लिए, उन पर अतिरिक्त जिम्मेदारी न देने के लिए, साथ ही साथ उन पर ज़्यादा लोड न बढ़ाने के लिए सिलेक्टर्स शुभमन गिल को उपकप्तानी दे सकते हैं, और बुमराह को सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी पर फोकस करने के लिए कहा जा सकता है। ऐसे में टेस्ट की जो वाइस कैप्टेंसी होगी वो शुभमन गिल के हाथ में हो सकती है, और रोहित शर्मा कप्तान होंगे टेस्ट टीम के, तो शुभमन गिल रोहित शर्मा के डिप्टी के रूप में उनसे सीखेंगे, कप्तानी के गुर सीखेंगे और मैच्योरिटी हासिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि भविष्य में शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए हमें नजर आए। तो ये सबसे बड़ी खबर है, और चौंकाने वाली खबर भी है कि आखिर बुमराह को फ्यूचर कैप्टन के रूप में क्यों नहीं देखा जा रहा है, कम से कम एक फॉर्मेट में। एक फॉर्मेट में तो जरूर जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्टर्स का मन है, और ये BCCI सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बुमराह की जगह शुभमन गिल बांग्लादेश के खिलाफ जो 19 सितंबर से टेस्ट सीरीज शुरू होगी, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी, उसमें शुभमन गिल उपकप्तान बनाए जा सकते हैं।